सरकारी स्कूलों के निजीकरण के विरोध में सड़कों पर उतरे शिक्षक, कलेक्टर पर प्रदर्शन कर जताया रोष, मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। सरकारी स्कूलों के निजीकरण के लिए सरकार के फैसले के खिलाफ शिक्षकों ने सड़क पर उतरकर विरोध करना शुरू कर दिया। शिक्षक संघ सियाराम के आह्वान पर शिक्षकों ने निजीकरण के खिलाफ कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाकर निजीकरण का विरोध किया गया। संघ के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर निजीकरण के निर्णय को वापस लेने की मांग की। आज पूरे प्रदेश में राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के बैनर तले सभी जिला मुख्यालयों पर पीपीपी मॉडल के मोड के विरोध में आज प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें सरकार अपने मनमानी तरीके से 300 विद्यालयों की घोषणा कर चुकी है प्रथम चरण के अंदर, जिसको पीपीपी मोड पर दिया जा रहा है, जिसमें 15,000 शिक्षकों की ऑलरेडी इसमें पद समाप्त करने की तैयारी चल रही है। इसके बावजूद एक ऐसे शहरों के अंदर पीपीपी मोड पर कर रहे हैं जिनमें ऑलरेडी एक छात्रों की संख्या 1,000 है, जिसमें पीपीपी मोड पर करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन उसको अपनी हड़दंगी के कारण सरकारी पीपीपी मोड पर करने की तैयारी है, जिसका आज आंदोलन में प्रथम चरण में आज जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करके सीएम मैडम को कलेक्टर साहब के माध्यम से ये ज्ञापन प्रस्तुत किया जा रहा है। अगले चरण में 1 तारीख को प्रदेश कार्यालय में मीटिंग होगी अगले आंदोलन के चरणों का, उसमें वहाँ पर विचार विमर्श किया जाएगा, आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी आगे, जिसमें ये भारी विरोध है। और उसके बावजूद ऐसे समय में जबकि सरकारी विद्यालयों में पूरे संसाधन सब उपलब्ध हैं, छात्रों का संख्या नामांकन बढ़ा है, रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, ऐसे समय में सरकार का कोई औचित्य नहीं है पीपी मोड विद्यालय देने का। संगठन उसका पुरजोर से विरोध करता है और आगे आंदोलन के लिए रूपरेखा तैयार करेगा। प्रेमत सिंह राठौर, जिलाध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम।